بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شاء बिसमीम् अल्लाकम व्ययर्स आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरह से इन शार्ट के अंदर हम किस तरीके से कुरान पाक की आयत को इस तरीके से अरबिक फॉन्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं कि अगर आपके पास सिंपल एक पेज है और उस पर आयत लिखी हुई है तो हम उसको किस तरीके से हम इस तरह से कर सकते हैं और इसका हम कलर भी चेंज कर लें और ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको आज की वीडियो में बताऊँगी इन शॉर्ट के अंदर कहते हैं ना एक दरवाज़ा अगर बंद होता है तो अल्लाह ताली आपके लिए और बहुत से दरवाजे खोल देती हैं और बहुत ईजी तरीके से ठीक है अगर हम काइन मास्टर में आप काम नहीं कर पा रहे हैं कि वाटरमार्क का इशू आ रहा है और फिर जो उनसे क्रोम ब्राउज़र से भी डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आप उसको छोड़ दें आप इन शॉर्ट पे काम करें पुराने पाक की आयत जो है स्क्रॉलिंग हम इसमें बना सकते हैं और आज की वीडियो में मैं आपको दो मेथड बताऊंगी एक है सिंपल मेथड और एक में है कलर चेंजिंग के आप कलर भी कोई खूबसूरत सा लगा सकते हैं ठीक है तो कम्प्लीट प्रोसीजर है कि मैं आपको सब कुछ बताऊँगी कि आपको किसी और जो है वीडियो को देखने की ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी अगर वीडियो लंबी भी हो रही है तो कोई मसला नहीं है आपने इसको टू द पॉइंट देखना है तो आपको समझ आ जाएगा कि हम किस तरह से इन शॉर्ट में बना सकते हैं या कोई और एडिटिंग ऐप यूज़ कर रहे हैं कैप कट भी यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें भी ये बना सकते हैं ये बहुत ही ईज़ी मैथड है तो जी आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेलाइन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास ही आए तो जी अब हम करते हैं स्टार्ट कि हम किस तरीके से कुरान पाक की इस तरह से आयत लेंगे किस तरीके से हम उसको स्क्रॉलिंग फीचर में कन्वर्ट करेंगे ठीक है तो, तो आज की वीडियो हमारी इसी से रिलेटेड है तो जी हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हम क्या कि हम किस तरीके से पिक्सल से और पिक्सा बेस से जो है वो बैकग्राउंड ले लेते हैं ठीक है ये तो आपको क्लियर हो गया था अगर नहीं पता आपको आप तो मेरी पिछली वीडियो को वॉच कर सकते हैं आई होप आपने किया होगा अगर न्यू हुआ है तो आप देख लीजिएगा कि बड़ा इजी सा मैथड है कि जो ये पीछे बैकग्राउंड चल रहा है ना ये पिक्सा बे और पिक्सल से हम जो है वो ले सकते हैं ईजीली ठीक है ये वाला बैकग्राउंड तो वहाँ से आपको एनिमेटेड बैकग्राउंड वहाँ से मिल जाएगा विदाउट कॉपीराइट फ्री तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं उसके बाद बात आती है जी हमने जो जनसी लेनी थी वो भी मैंने आपको पूरा मेथड कम्प्लीटली समझाया हुआ है कि किस तरीके से हमने जो है वो कुरान पाक की आयत को स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है आपने जितनी भी कुरान पाक की आयत लेनी है ना आपने उसको रिकॉर्डिंग पर लगा देना बिल्कुल एक अलग कमरे में बैठ के जहाँ पर कोई और आवाज़ ना आ रही हो एक्सटर्नल जो माइक है उसको बंद कर दीजिए सिर्फ मोबाइल का ही माइक रखिएगा और उसके ज़रिए आप उसको कंप्लीट रिकॉर्ड कर लें बेशक आप यासिन जो है मुकम्मल तौर पे उसको रिकॉर्ड कर लीजिए ठीक है इतना आपको क्लियर हो गया कैसे कुरान पाक की आयत जो है रिकॉर्ड करनी है और उसके बाद हमने यहाँ पर आके लगानी है मुझे यहाँ पर आपको बहुत ही ईजी मेथड से बताऊँगी कि हम किस तरीके से उसको एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर लगा देंगे ठीक है जी सबसे पहले जी एक मेथड है कि हम किस तरीके से कुरान पाक की आयत लेंगे ठीक है तो यहाँ से हम एक बिल्कुल न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं हम यहाँ से न्यू पे क्लिक कर देते हैं यहाँ से हम कोई वीडियो ले लेते ले ले हैं जो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है तो चलिए हम यही वाली ले, ले लेते हैं आप को कोई भी ले सकते हैं ठीक है जी हमने ये वाली एक बैकग्राउंड ले लिया है के बाद बात आती है कि सिंपल मेथड कैसे है कि हम यहाँ पर आयत लगा लें ठीक है उसके बाद मैं आपको कलर के ज़रिए भी बताऊँगी पहले मैं आपको सिंपल मेम्पल मैथड समझा देती हूँ कि आप किस तरह से करें यहाँ से हम इस्लाम 360 को ओपन कर लेते हैं ये हमने इस्लाम 360 को ओपन कर लिया और जी यहाँ से हमने अल कुरान को ओपन कर लेना है जो ये फर्स्ट वाला आ रहा है हमने इसको ओपन कर लिया और यहाँ से जो मैंने फेवरेट में रखा हुआ है सुर कौसर को आप किसी पे भी जैसे ये सूरत है आप यहाँ पे हार्ट पे क्लिक कर देंगे ना तो एक तो वो डाउनलोड हो जाएगी इस तरीके से यहाँ से डाउनलोड होगी यहाँ से डाउनलोड होना उसने, है उसने ठीक है यहाँ से वो डाउनलोड हो जाएगी और अगर आपने डाउनलोड नहीं करनी तो जस्ट आपने क्या करना है आपने हार्ट पर जो जोसा है क्लिक कर देंगे ना यहाँ पर तो वो फेवरेट के अंदर आ जाएगी ये हमारे पास फेवरेट है तो मैंने फेवरेट में रखी हुई है सूर्य कासर अब हमने यहाँ से सूर्य कॉसर को ओपन कर लेना है और इस तरीके से मैंने इसको बुक मार कर दिया बुक मार करेंगे तो ये इजीली आपको मिल भी जाएगी और ये हम इजीली वहाँ पर पेस्ट भी कर देंगे किस तरह से करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ हम दोबारा से बैक जाते हैं यहाँ पे जो बुक मार्क की ऑप्शन आ रही है ये वाली ये वाली हमारे पास बुक मार्क की ऑप्शन आ रही है हमने बुक मार्क पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर हम इस तरीके से थोड़ी देर होल्ड डाउन रखेंगे इस तरीके से हम सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं और कॉपी पे क्लिक कर दे फिर क्लिक कर दिया और उसके बाद हम यहाँ से इन शॉट को ओपन कर लेते हैं इन शॉट को ओपन कर लिया यहाँ से हम टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ और इस तरीके से हम यहाँ पर पे इसको पेस्ट कर देंगे इसे सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से हमने इसको कर दिया हम इसको थोड़ा सा बल्कि यहाँ पर ले आते हैं क्योंकि अभी हमने बिसमिल्ल गाँवाम भी को ऐड करना है तो हम यहाँ पर पे जी पेपर क्लिक करते हैं और यहाँ से मैंने बिसमिल्ल गवाह मानवाम को इस तरीके से लिखा हुआ है हम इसको ले आते हैं ठीक है हम इसको ले और उसके बाद तो हम यहाँ से हम हम टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरीके से ये आ जाता है ठीक है और यहाँ से अगर हमने इसका कलर चेंज करना है तो वो भी हम कर सकते हैं हमने एडिट पे क्लिक किया और जी यहाँ पर हम फ़ोन के लिए कुछ भी ऐड कर सकते हैं इस तरीके से ठीक है यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी ऑप्शन आ रही होती हैं तो यहाँ पर मैं आप यहाँ से इस तरीके से भी कर सकते हैं और यहाँ से हम इस तरह से भी कर सकते हैं हम ये वाला फ़ॉन्ट को यूज़ कर लेते हैं और हम टिक पे क्लिक कर देते हैं और इसी तरीके से हम इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं ये हमने इसको डुप्लीकेट कर लिया ठीक है और यहाँ पे दोबारा से हम टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और वहाँ से जो है टेक्स्ट हम यहाँ ले आते हैं और यहाँ से हम दोबारा से इस्लाम थ्री सिक्सटी पर आते हैं और यहाँ से हम इस पर क्लिक करते हैं और इसी तरीके से हम यहाँ थोड़ी देर रखेंगे और इसको हम सेलेक्ट ऑल करके सेलेक्ट ऑल किया और यहाँ से हमने इसको कॉपी कर लिया और उसके बाद हम यहाँ से इधर आते हैं और यहाँ पर हम ला के इसको पेस्ट कर देते हैं और इसका हम साइज़ कम कर देते हैं तकरीबन इतना ठीक है और हम इस वाले को डिलीट कर देते हैं इस तरह से और उसके बाद हमारा लास्ट वाला है हम उसको लेकर आते हैं लेकिन उससे पहले जो है तो ये देखें जी, हम प्ले करके आपको दिखा देते हैं इस तरीके से हमारे पास आ रहा है अब बस्मान इब्राहिम को भी इसी तरीके से येलो और ब्लैक कलर में कर सकते हैं दोबारा से हम टेक्स्ट पर आते हैं इसको जी हम दोबारा से डुप्लीकेट कर देते हैं डुप्लीकेट पे क्लिक किया यहाँ से हमने इस पर क्लिक करके एडिट पे क्लिक किया और इसको हम जो सारा इस तरीके से ख़त्म कर देते हैं और दोबारा से हम इस्लाम थ्री सिक्सटी में आते हैं और यहाँ से हम और हम इस पर क्लिक करते हैं यहाँ से और इसको हम सेलेक्ट ऑल कर देते हैं इतना ठीक है और इसको हम यहाँ से कॉपी कर देते हैं और अब हम यहाँ से इन शॉर्ट क्लिक करते हैं और जो यहाँ से हमने शॉर्ट पे क्लिक किया और हम इस तरीके से इसको यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं ये देखें और इस तरीके से जी अब हम इसके कलर भी चेंज कर सकते हैं और बहुत खूबसूरती से हमारे पास रेडी होकर आ चुका है अब बात आत आती है जी ऑडियो की तो हम ऑडियो पे क्लिक करते हैं किस तरह से करेंगे हमने जी पे पे क्लिक करना है जैसे मैं तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बस समझाया हुआ था कि हम किस तरीके से उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे तो यही हमारे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग होकर आ चुकी है इसको हम बिल्कुल नीचे कर लेते हैं और अब हम प्ले करके देखते हैं और इसको हम कंप्लीट जो है एडजस्ट करते हैं और किस तरह से करेंगे हमने इस पर क्लिक किया और इसको हम यहाँ से डुप्लीकेट कर देते हैं ये हमारे पास डुप्लीकेट हो गया ठीक है इतनी हमारी वीडियो है और इतनी ऑडियो के उसके बाद हम अपनी यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ आपने जिस तरीके से आपको आडियो चलेगी उसी तरीके से आपने इसको एडजस्ट कर लेना है ठीक है जी यहाँ पे पिप पे देख लीजिए हमारे पास इसको हमने बिल्कुल नीचे कर दिया हमने कुरान पाक की आयत को वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लिया ठीक है ये एक मेथड हो गया और दूसरा मेथड मैं आपको ये समझाती हूँ कि हम किस तरीके से बहुत ही ईजीली पूरी आयत ले आएंगे और यहाँ पर आराम से इसक्रॉल होती रहेगी ठीक है दोबारा से सेव से पे क्लिक किया और इसको हमने सेव कर लिया इसका भी फाइनल रिजल्ट एक दफा आपको दिखाऊंगी इससे पहले जो है जी हम इसका वाटर मार्क रिमूव कर देते हैं यहां से फ्री रिमूव पे क्लिक करते हैं बाद इसको क्रॉस कर दीजिएगा शानी और जी यहां से हमने हमने ऐप ऐप पे क्लिक करना है ओपन कर लिया जो न्यू टेक्स्ट आ रहा है इसको हमने कर दिया डिलीट और ये हमने डिलीट कर दिया अब हमें प्लस के आइकन पे जाना है फ्रॉम गैलरी पे जाना है और इमेज सर्च मैन से जो, जो मैंने डाउनलोड किया था हम उसको यहाँ पर ले आते हैं और टिक पे क्लिक कर देते हैं फिर यहाँ से हमने सेंटर वाले पे क्लिक करना है ये वाला और इसको हमने यहाँ से सिक्रॉलर राइट की तरफ करते हैं और रेलिटिव साइज़ जो है इसका हम तो तो हुआ। तो हुआ। फुल कर देते हैं इस तरीके से हमने इसको एडजस्ट कर लिया अब फिर से हम सिक्रॉलर राइट की तरफ करते हैं यहाँ पे अरेस कलर की ऑप्शन आ रही है ये वाली ठीक है जी अब हमने अरेस कलर पर क्लिक किया और इसको साथ ही इनेबल कर दिया जैसे ही आप इनेबल करेंगे तो आपने इसको कुछ नहीं करना टिक पर क्लिक कर देना है और उसके बाद ही आपने कलर पर आ जाना है यहाँ से हम कलर इसका कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं ये देखें जी रेड हो गया आपने कोई भी रखना है तो आप रख सकते हैं हम चले यहाँ से ब्लू कर लेते हैं और उसके बाद ज़रा हम दोबारा से रेस कलर पर आते हैं और इसकी हम टॉलरेंस को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं ये देखें क्योंकि बहुत ज़्यादा शार्प लग रही थी हमने इसको थोड़ा सा सेट कर दिया है इसके स्मूथ है जिसको इस तरह ही रहने देंगे और उसके बाद हम थोड़ा बहुत इसमें स्ट्रॉक लगा देते हैं हमने स्ट्रॉक पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमने वाइट कलर का स्ट्रॉक लगा दिया है उसके बाद इसका साइज़ को हम थोड़ा सा कम कर देते हैं इस तरीके से और हमने इसको जो दोबारा से हम इस वाले पर आती हैं फोर्थ वाले पर इस पर आ गए ठीक है इस पर हम आते हैं और यहाँ से इसको हम ट्रांसपेरेंट कर देते हैं इस तरह से ठीक है अब हमने इसको ट्रांसपेरेंट कर दिया उसके बाद ही हमने इस जिफ्ट जो बना हुआ है इस पर क्लिक, तो क्लिक किया और यहाँ से हमने इसको सेवैस हमने जिफ्ट क्लिक किया और सेवेज इमेज कर देते हैं और इसको हम जी अल्ट्रा कर देते हैं इसकी क्वालिटी को और सेव टू गैलरी कर देते हैं और देखिए हमारे पास सेव हो जाएगा उसके बाद आपने एक ऐड को वॉच कर लीजिएगा और उसको क्रॉस कर दीजिएगा उसके बाद हमने इन शॉर्ट को ओपन कर लिया और हमने प्लस के आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से हमने एक वीडियो जो थी डाउनलोड की हुई थी हम उसको ले आते हैं चलिए जी हम ये वाली ले, ले लेते हैं और इस पर हम क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर आ चुके हैं इसका हम वाटर मार्क रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे हमने बैकग्राउंड लगा दिया है और विदाउट वाटर मार्क ठीक है जी इन शॉर्ट का भी वाटर मार्क हमने रिमूव कर दिया उसके बाद हम यहाँ से वीडियोज में जाते हैं और यहाँ से हमने जी रिसेंट जो डाउनलोड की थी वीडियो और यहाँ से हमने जो कुरान पाक की आयत की स्क्रीन रिकॉर्डिंग की थी हम उसको ले आते हैं कम्प्लीटली ठीक है जी हमने यहाँ पर ले आए और उतनी ही हम इसको बढ़ा देते हैं हमने दोबारा से इस पर क्लिक करना है और हम इसको यहाँ से डुप्लीकेट कर देते हैं इस तरह से ठीक है हमें इतनी चाहिए हम इस पर क्लिक करते हैं दोबारा और यहाँ से हम इसको ट्रिम कर देते हैं ये देखें जी हमारी यहाँ पे ब्लू कलर आपको नज़र आ रहा है ना तो इसका मतलब है हमारी ऑडियो जो है ना वो इतनी ही चल रही है यहाँ पे ठीक है हमने इतनी ले ली और उसके बाद क्रॉस कर दिया और उसके हम हम यहाँ से अपनी जी पे क्लिक करते हैं और इसको हम बिल्कुल नीचे कर देते हैं देखिए नज़र ही नहीं आ रही इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है उसके बाद हमने यहाँ से पिप पे क्लिक किया और जो अभी हमने पुराने पाक की आयत ली थी यहाँ से ये इसको हम यहाँ पर ले आते हैं अब इसको कोई भी कलर जो अच्छा सा दे सकते हैं मैंने ब्लू कलर दे दिया ठीक है कि आपकी जो आयत है वो प्रॉपरली पता चल रहा हो इसको भी हम उतनी इसकी लेंथ बढ़ा देते हैं जितनी हमारी वीडियो के एंड तक जाएगी ठीक है ये इसमें भी बहुत अच्छी ऑप्शन है क्लाइंट मास्टर में नहीं है मुझे खींचना पड़ता था उसको उस वहाँ तक करने के लिए तो यहाँ पर हो गया उसके बाद जी हम दोबारा से पिप पे क्लिक करते हैं और हम इसको बिल्कुल यहाँ पे नीचे रख देते हैं यहाँ पर और यहाँ पे हम एक की लगा देते हैं और उसके बाद हम जी एंड पर आते हैं और इसको जो है हम इस तरीके से स्क्रॉल जो है आप कर देते हैं इतना और टिक पे क्लिक कर देते हैं और ये देखें अब मैं आपको प्ले करके एक दफ़ा दिखाती हूँ खूबसूरती से ये देखें जी आपकी जो पूरी आयत है ना वो इसी तरीके से स्क्रॉल जो है वो अप होती जा रही है हम लास्ट बार देख लेते हैं तो जी देखा कि अगर आपका एक दरवाजा बंद होता है तो अल्लाह ताला ने किस इतनी आसानी से हमारे लिए और दरवाजे खोल दिए और बहुत इजी हो गया बल्कि मुझे इन शॉर्ट पर काम करना जो है ना बहुत ज्यादा इजी लगता है मैं इन शॉर्ट के ऊपर ज्यादातर वीडियोस बनाती हूँ उसमें काइन मास्टर के अंदर आपका वाटरमार्क का इशू है और इशू है देखें अब उसको उसके बाद अगर आपने उसको एंड तक खींचना है ना तो आप उसको खींचते जाते हो यहाँ पर मैं जस्ट टाइप करती हूँ कि वीडियो के एंड तक ही आ जाए तो वो ईज़िली आ जाता है देखें कितनी आसानी से हमने यहाँ पर बल्कि सेटिंग कर ली और बहुत जल्दी हो गई है आप बेशक वहाँ से कॉपी पेस्ट करके लिए हैं या पिक्सल ऐप के अंदर सेटिंग कर लें तो बहुत ही ईजीली हम कर सकते हैं ठीक है तो जी मुझे किसी एक सब्सक्राइबर ने कहा आपने वहाँ तो इस तरीके से कायन मास्टर में दिखाया है अब आप जो है वो इन शॉर्ट के अंदर भी हमें इस तरीके से अब बताएं कि हम किस तरह ट्रॉलिंग होगी इन शॉर्ट में ठीक है तो जी ये देख लें मैंने आपको कितनी खूबसूरती से दिखाया बल्कि उससे भी ज़्यादा इसके परफेक्ट कलर्स आ रहे हैं ठीक है तो जी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी है ये तो जी काइन मास्टर से भी ज़्यादा इजी मेथड है मुझे बहुत इजी लगा है ठीक है तो मिलते हैं एक न्यू और अच्छी वीडियो के साथ उस वक्त तक आप अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़ بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو